रीवा जिले में फर्जीवाड़ा करने वालों का मेला लगता है। कोई एनजीओ के नाम पर वसूली कर रहा है तो कोई समाज सेवा के नाम पर शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए समाज सेवा का झुंझुना थमा रहा है। लेकिन यह कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर इनके पास यह फंड आता कहां से है। क्या शासन की योजनाओं का पलीता लगाने के लिए खानापूर्ति की जा रही है या खुद समाज सेवी संस्थाएं हैं जो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वसूली बाज एनजीओ के चलते कई समाज सेवी संस्थाओं का भी नाम बदनाम हो रहा है, जो वास्तविक समाज सेवा के लिए बड़े व्यवसायिक घरानों के फंड एकत्र कर गरीबों की मदद करते हैं। ताजा मामला गुड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई घटना का है, जहां एक एनजीओ संचालिका अपने साथियों के साथ नेत्र शिविर लगाने पहुंची थी, जहां डॉक्टरों और एनजीओ संचालिका के साथ पहुंचे लोगों के बीच मारपीट हुई है। एक दिन पहले हुई घटना के दो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें महिला और बीएमओ कल्याण सिंह के बीच हाथापाई देखी जा रही है। हालांकि पूरे मामले की दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के एनजीओ के नाम पर कई बार वसूली के आरोप लग चुके हैं, इन्हें कहीं भी कोई कार्यक्रम करने की मनमानी की छूट नहीं देना चाहिए, बल्कि ऑथराइज लेटर जारी होना चाहिए और कलेक्टर को सूचना देकर ही किसी संस्थान में जाकर जांच पड़ताल या कोई समाज सेवा करने की हिदायत दी जानी चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह की घटना ना दोहराई जाए और समाज सेवा करने वालों को भी बदनामी का दंश ना झेलना पड़े। आप भी देखिए वीडियो, जिसे देखकर अनुमान लगा लेंगे कि यह कैसी समाज सेवा है। गुंडागर्दी करने आए हैं, गुंडागर्दी करने आए हैं, किसी भी लगाने आए हैं। जिसमें आप जोड़े हैं जो मरीजों को लेके आते हैं, कल्याण टीम जो है सर, गुंडागर्दी करने आए हैं, गुंडागर्दी करने आए हैं, किसी भी लगाने आए हैं। अरे मां की बात है ये।